नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SBI 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम में मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी के वर्गीकरण को। ओबीसी का वर्गीकरण कर 5% आरक्षण नहीं मिला तो होगी आर पार की लड़ाई। चुनाव नज़दीक है, चुनाव नज़दीक के दौरान इस तरह की खबर आना ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सही नहीं। SBC के 5% आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाने से नाराज गुर्जर समाज आंदोलन करने का मानस बना चुके हैं। समाज की ओर से अब ओबीसी का वर्गीकरण कर 50% के अंदर SBC को 5% आरक्षण दिए जाने की मांग की जा रही है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की उपस्थिति में बीते रविवार को पीलूपुरा के गांव कारवाड़ी स्थित शहीद स्थल पर बीते रविवार को आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति एवं गुर्जर समाज के पंच पटेलों की बैठक में लोगों ने 5% आरक्षण के लिए आर पार का आंदोलन करने की बात की। पंचायत की अध्यक्षता जिस पर राजाराम अड्डा ने भी कहा, ऐसे में 5 आरक्षण की बात करें और उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण नहीं मिला 5% तो वाकई में ये सरकार के लिए सही नहीं होगा और चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आंदोलन किया जा रहा है तो इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दूँ 2019 का लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और ऐसे में उस चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 2019 को लेकर बीजेपी क्या रणनीति बना रही है और क्या गेम खेल रही है, देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने का है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा था कि बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को और मजबूत बनाने और पार्टी के विकास एजेंडे को गरीबों तक पहुंचाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। सिंह ने कहा, हमने अपने सुशासन के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की और मुख्यमंत्रियों ने बताया कि वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक हर घर में बिजली पहुंचाने और 2022 तक सभी परिवारों को घर मुहैया करवाने का फैसला लिया गया है। भाजपा के एक मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने प्रदेश में केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं के बारे में प्रस्तुति दी और आगे की कार्य योजना पेश की। बैठक के दौरान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय बजट में प्रस्तावित योजनाओं को आने वाले समय में अपने अपने प्रदेशों में लागू करने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में योजनाओं को लागू करने की समीक्षा और जनता के बीच प्रभाव का आकलन करने को कहा। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह एवं कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ व्यापक चर्चा की। उन्होंने कहा, इन परिस्थिति में सरकार और पार्टी दोनों की कोशिश है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। इस वक्त देश के 19 राज्यों में भाजपा या फिर सहयोगियों के साथ उसकी सरकार है। पार्टी का मानना है कि अगर राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहना दिया जाए तो फिर इसका व्यापक असर पड़ेगा। 2018-19 के आम बजट में केंद्र सरकार ने गांव, गरीब और किसान पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। ऐसे में पार्टी का जोर इस बात पर है कि बजट के प्रावधानों को धरातल पर उतारा जाए। बैठक में देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने, किसानों को फसल के उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य देने के अलावा केंद्र सरकार की उज्ज्वल योजना, सौभाग्य योजना, जनधन योजना को लागू करने की विविध आयामों पर भी बात होने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का हमेशा से इस बात पर जोर रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य की जो योजनाएं हैं उनका लाभ समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, विजय रूपाणी और कई नेता शामिल थे। तो देखा आपने 2019 को लेकर बीजेपी क्या रणनीति बना रही है, तो वहीं देखिए कांग्रेस भी पीछे नहीं। जी हाँ, कांग्रेस भी तमाम तरह की रणनीति बना रही है और हर तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। किस तरह से कांग्रेस चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, देखिए खास। 2019 का चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी काफी कोशिशें कर रहे हैं। आपको बता दें, गुजरात में कांग्रेस प्रदर्शन पर राहुल गांधी काफी खुश हुए थे, लेकिन वो ये जानते हैं कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस को जीत के करीब लाने वाले नेता कांग्रेस के नहीं थे, बल्कि बीजेपी विरोधी वो नेता थे जिन्होंने अपनी लाइफ के लिए गुजरात सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। राहुल गांधी को ऐसे नेता के साथ हर राज्य में चाहिए जहाँ पर उनकी सरकार नहीं है।
लेकिन उनका मुकाबला बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह से है, जो इस तरह के खेल में माहिर है। साल 2018 चुनाव का मौसम लेकर आया है। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ कर्नाटक और साल के अंत तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव है। चुनाव वाले राज्यों में से तीन में कांग्रेस की सरकार है, मेघालय, मिजोरम और कर्नाटक। कांग्रेस को इन राज्यों में अपनी सरकार बचानी है, साथ ही बीजेपी शासित राज्यों में सेंधमारी करनी है। पर जिस लाभ लश्कर के साथ बीजेपी चुनाव में उतरती है, क्या वो कांग्रेस के पास है? इस साल देश भर में 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पूर्वोत्तर में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मार्च तक चुनाव होंगे, जबकि मिजोरम में नवंबर में चुनाव की खबर है। वहीं दक्षिण में कर्नाटक में अप्रैल या मई में चुनाव होंगे, जबकि हिंदी बेल्ट, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साल के अंत तक चुनाव होंगे। कांग्रेस को अपना गढ़ तो बचाना ही है, साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसानों के गुस्से की वजह से बड़े असंतोष का फायदा उठाना है। मेघालय में अभी मुकुल संगमा की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है। 60 सीटों के इस चुनाव में बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगाया है। वहीं त्रिपुरा में वामपंथियों का गढ़ है। बीजेपी पश्चिम बंगाल के बाद यहां पर कब्जा करना चाहती है। क्या राहुल गांधी को त्रिपुरा में वामपंथ का साथ मिलेगा? एक तरफ जहां कांग्रेस कर्नाटक में अपने आखिरी सियासी किले को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वहां कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर राज्य सरकार उखाड़ने की पूरी कोशिश करेगी। कर्नाटक में इस साल के आखिर में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। फिलहाल वहां कांटे की टक्कर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगा पाएगी सेंध? जी हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ की सरकारों को लेकर असंतोष काफी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पर घोटाले के आरोप की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, राजस्थान में वसुंधरा सरकार के खिलाफ काफी असंतोष देखा जा रहा है। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस तभी फायदा उठा पाएगी जब वो इन राज्यों इकाइयों में गुटबाजी खत्म कर दे। आपको बता दें कि 2019 में जल्द ही लोकसभा के चुनाव भी हैं, और ऐसे में कांग्रेस हर स्तर पर कोशिश कर रही है कि वो चुनाव जीत सके। इसी के तहत राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में अपनी टीम के सदस्यों को लाना चाहते हैं। 25 सदस्य इस समिति में कई युवा नेताओं की नियुक्ति की खबर है। बताया जा रहा है कि उनकी टीम में अनुभवी नेताओं और युवा चेहरे शामिल होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुराने गार्ड के बीच कुछ युवा नेताओं के लिए रास्ता बनाना होगा, आपको बता दें। लेकिन अब ये राहुल गांधी को तय करना है कि वो चुनाव कैसे जीतेंगे। देखा आपने किस तरह से चुनाव जीतने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अगर मैं बात कर लेता हूँ कर्नाटक चुनाव की, तो कर्नाटक चुनाव का मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। और जिस तरह से राहुल गांधी मोदी को घेर रहे हैं, मोदी पीएम मोदी कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं, तो देखिए दोनों एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। लेकिन आखिरकार जीत किसकी होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दूं कि बीते दिनों कर्नाटक के दौरे पर थे राहुल गांधी, और किस तरह से उन्होंने जमकर मोदी सरकार को घेरा, देखिए खास रिपोर्ट। देश प्रधानमंत्री के भाषणों को सुनता है और देश सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करता है। देश कहता है प्रधानमंत्री ने आधा घंटा भाषण दिया, चलो बैठकर भाषण में से सच्चाई निकालते हैं। कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, मोदी जी आते हैं, प्रदेश के सामने भ्रष्टाचार की बात करते, कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ना। स्टेज पे उनके दाएं साइड पे येदुरप्पा जी खड़े हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट जो स्वयं जेल में जा चुके हैं, जेल का पानी, जेल का भोजन खाएं। दूसरी तरफ 4 मंत्री वो भी जेल में आके समय लेके आए, और बीच में नरेंद्र मोदी जी, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। देश देख रहा है, कर्नाटक देख रहा है, कह रहा है क्या कह रहे हैं। पीयूष गोयल अपनी कंपनी को डिक्लेयर नहीं करता है, मंत्री बनता है अपनी कंपनी को डिक्लेयर नहीं करता है, बाद में एक पावर कंपनी को 48 करोड़ रुपए के लिए अपनी कंपनी बेचता है। पहली बार पावर मिनिस्टर अपनी कंपनी किसी पावर कंपनी को बेचता है, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। देखिए अगर बात हम कर्नाटक की कर रहे हैं, तो कर्नाटक में
बीते दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी गए थे। शाह ने भी तिकड़म लगाई है वहां पर और लिंगायत के प्रमुख से मुलाकात की है। कितना उनको फायदा होगा और कितना उनको क्या राहत मिल सकती है, ये देखने वाली बात होगी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने टुमकुरू के सिद्ध गंगा मठ में लिंगायत समुदाय के संत श्री शिव कुमार स्वामी से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया और कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत भी की। गौरतलब है कि कर्नाटक में अप्रैल मई महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस तरह से अमित शाह स्वामी जी के चरणों में बैठे हुए हैं और इतना ही नहीं उनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं। श्री शिव कुमार स्वामी से शाह की मुलाकात को लिंगायत वीरशैव समुदाय तक पहुंच कायम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य में इस समुदाय की आबादी अच्छी खासी है और यह राजनीतिक तौर पर ताकतवर माना जाता है। इस समुदाय में भाजपा की अच्छी बैठ बताई जाती है। स्वामी और शाह की मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है जब पिछले दिनों ही कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने केंद्र से सिफारिश की है वह लिंगायत एवं वीरशैव लिंगायत समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दे। सिद्धरमैया सरकार के इस कदम को लिंगायतों को भाजपा से दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। शाह ने एक ट्वीट में कहा, सिद्ध गंगा मठ टुमकुरू के श्री श्री शिव कुमार स्वामी जी से आशीर्वाद लेने का सौभाग्य उन्हें मिला। इस उम्र में भी उनका अथक कार्य प्रेरणादायी है। उनका जीवन एक जीता जागता सबक और हम सब एक मार्गदर्शक है। आपको बता दें कि 2019 में लोकसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में जिस तरह से अमित शाह ने ये नई तरह की रणनीति अपनाई है, इससे बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें जिस तरह से अमित शाह की ये रणनीति है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकती है। आपको बता दूं कि 2019 का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी काफ़ी हद तक कोशिशें कर रही हैं। दोनों अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव से पहले ही अमित शाह ने इस तरह की रणनीति बनाई है और जो पैंतरा खेला है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। वहीं कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं तो कहीं ना कहीं इस बात की आशंका अब जताई जा रही है कि कर्नाटक में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी की जीत हो सकती है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी की जीत होगी या नहीं। जिस तरह से अमित शाह ने एक बड़ा दांव चला है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत पक्की हो गई है और इससे बीजेपी को फायदा हुआ है। बीजेपी हर स्तर पर कोशिश कर रही है कि कैसे चुनाव को जीता जाए। दरअसल बीजेपी ने सबक भी लिया है कि यूपी की लोकसभा की 2 सीटों पर फूलपुर और गोरखपुर पर जिस तरह से उन्हें हार मिली है, उससे कहीं ना कहीं सबक लेते हुए बीजेपी अब कोई भी गलती नहीं करना चाहती। वो हर तरीका अपना के चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन जिस तरह से अब गुर्जर समुदाय के लोग जो है 5% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं चुनाव पर असर देखने को मिल सकता है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।